गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रूम यादव बीएनएल स्कूल से। आज हम लोग साइंस क्लास सिक्स का पढ़ेंगे। हम लोग क्लास सिक्स साल में पिछले क्लास में लेसन फर्स्ट पढ़े थे, सोर्स ऑफ फूड। लेसन समाप्त हो चुका था। आइए हम लोग देखते हैं हम लोग इस लेसन में क्या क्या जाना है, आज इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट, फूड इज इसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स एंड टू प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन जो है जीवों के लिए सबसे जरूरी चीज़ है, जो हमें किसी भी कार्य करने और खेलने के लिए एनर्जी देता है। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। भोजन का जो मेन स्रोत है वो जानवर और पौधे हैं। फूड हैबिटेट आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टेट। भोजन जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग करते हैं, अलग अलग स्टेट में। द रॉ मटेरियल यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। भोजन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सभी चीज़ों को इंग्रेडिएंट बोलते हैं। हिंदी में भोजन के घटक बोला जाता है। डिफरेंट पार्ट सच एज रूट स्टीम लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज एज फूड। पौधों के भोजन में हम लोग भोजन पौधों का एक कौन सा पार्ट यूज करते हैं, जैसे रूट। पौधों के रूट पार्ट, स्टीम पार्ट, लीव्स पार्ट, फ्लावर पार्ट एंड फ्रूट पार्ट हम लोग क्या करते हैं, भोजन के लिए यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिटेट एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। भोजन करने के तरीकों से जीवों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस आर प्लांट ईटर्स, यानी हर्बीवोरस दैट एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स कॉल्ड हर्बीवोरस। कार्निवोरस दैट एनिमल्स ईट फ्लैश इज कॉल्ड कार्निवोरस। वे जीव जो केवल मांस खाते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। और तो आता है ओमनिवोरस, वे दैट एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ओमनिवोरस। वे जीव जो पेड़ पौधे और जंतु के मांस को खाते हैं ओमनिवोरस कहलाते हैं। स्केवेंजर्स कीप द सराउंडिंग क्लीन। स्केवेंजर जो होते हैं वातावरण को साफ रखते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन एनिमल ब्लड आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। जो जीव दूसरे जीवों के खून को पी के जीत रहते हैं उनको स्केवेंजर्स बोलते हैं। जैसे जीव हुआ, लीच हुआ। ए फूड चेन टेक अस व्हिट व्हाट एनवायरमेंट ऑल फूड चेन बिगन फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। हम जो भी भोजन करते हैं एनवायरमेंट में जो भी मिलता है भोजन करने के लिए वो पौधों से मिलता है, जिसे हम फूड चेन बोलते हैं। हम लोग इतने पॉइंट को इस लेसन में जाने थे। अब अगला लेक्चर हम लोग और अगला लेसन अगले लेक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।